हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं जूम कंसंट्रेट के बारे में, जिसकी हेल्प से हम टफ से टफ चिकनाई को भी इजीली रिमूव कर सकते हैं। और अगर हम बात करें किचन की, तो सबसे टफ तो चिकनाई स्टैन होती है हमारी चिमनी पर, लाइक दिस। आप देख सकते हैं यह चिकनाई ज़्यादा गंदी है। मैंने जानबूझकर इसे इतना ज़्यादा गंदा किया ताकि मैं वीडियो बना सकूं। अब इसको कैसे यूज़ करते हैं तो वो जानेंगे हम। उसके लिए हम एक स्प्रे बॉटल में जूम कंसंट्रेट को मिलाएंगे और इसका रेशो हम रखते हैं 1:1। जैसे आप देख सकते हैं, ये दवाई की बॉटल का कैप है जो हमें मेज़रमेंट करने में हेल्प करेगा। जैसे इसमें है 10 ml, एक बार में हम ले सकते हैं, तो हम समथिंग 25 ml जूम कंसंट्रेट लेंगे और हम इसी का डबल 50 ml समथिंग वाटर लेंगे। तो आइए अब हम इसे इस स्प्रे बॉटल में, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा गंदा है इसलिए हम यहाँ पर जूम कंसंट्रेट और वाटर का मिक्सचर जो है हम बराबर मात्रा में लेंगे। उतना ही इसमें हम अब पानी डाल देंगे। यूज़ करने से पहले हम थोड़ा इसे शेक करेंगे। अब हम इस पे स्प्रे कर देंगे। जब तक ये अपना काम कर रहा है जूम, तब तक हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ये 500 ml का होता है और इसका MRP होता है 280। ये 500 ml का ज़रूर होता है, बट हम इसमें क्योंकि ये कंसंट्रेट है इसलिए हम इसको पानी में ऐड करके डाइल्यूट कर सकते हैं और हम हमारा लिक्विड समथिंग 1.5 लीटर के करीब में हम इसका लिक्विड सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं और करीब 6 से 7 महीने तक हम इसे यूज़ कर सकते हैं और इजीली हम अपना काम सारा कर सकते हैं। जूम का यूज़ करके हम, जैसे इसमें बताया है, हम हमारा किचन टॉप, हमारे गैस के बर्नर के पीछे जो वॉल होती है, टाइल्स होती है, वो चिकनाई हो जाती है। उसे हम 3 पार्ट पानी और 1 पार्ट जूम लेकर उससे क्लीन कर सकते हैं। हमारी किचन की जो अलमीराज होती हैं वो गंदी हो जाती हैं, उनको हम इसके यूज़ से क्लीन कर सकते हैं ईजीली और अपने किचन को साफ़ और स्वच्छ रख सकते हैं। इसमें कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं होते हैं तो हम इसे बहुत ही इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम कि हमारे इस उस पर कितना इफ़ेक्ट हुआ है। अरे, अभी करीब 20 मिनट्स हो चुके हैं तो मैं थोड़ा सा क्लीन करके देखती हूँ। ये देख सकते हैं आप कितना इजीली, मैं आपको उठाकर दिखाती हूँ, ओह कितना नीचे से भी वो इतना स्टिकी हो गया है। अब आप देख सकते हैं ये कितना इजीली क्लीन हो गया है। ये देखिए, कुछ स्क्रब कुछ नहीं लिया है मैंने। ये देखिए आप कितना इजीली क्लीन हो रहा है। आप देख सकते हैं ये 2 रोड्स मैंने इजीली क्लीन करी, कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ मैंने ये इसको क्लीन किया है ऐसे। ठीक, इस तरीके से मैं इसे पूरा स्क्रब करके और क्लीन कर सकती हूँ। हम चाहे तो इसको टूथब्रश का यूज़ करके भी क्लीन कर सकते हैं। वैसे तो इसका कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं होता है हाथों पर आप चाहें तो इसके लिए हम हैंड ग्लव्स का यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये पूरा स्क्रब हो गया है, बहुत ही स्मूथली मैंने इसे रब किया। हमें इसे क्लीन कपड़े से साफ करके, ये देखिए इजीली निकल गया है,
पूरा क्लीन हो गया है चिमनी, ना कोई झंझट ना कोई परेशानी। आई थिंक आप देख सकते हैं, हो सकता है कैमरे में आपको इतना अच्छा शो नहीं हो रहे हो, पर आप यकीन मानिए, और ये देखिए कोई चिपचिपाहट नहीं, कुछ भी नहीं। अब ऐसे ही हम इसे सेकंड तरफ से भी क्लीन कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं, बस मैंने उसे कुछ नहीं, सिर्फ नॉर्मल वाटर से वॉश कर दिया उसके बाद, और अब उसे ड्राई कोई भी ड्राई कपड़े से पोंछ दिया है। ये देखिए,